लालकुआ नगर में बस अड्डा बनाए जाने एवं लीज निरस्त भूमि को कब्जे में लेने की मांग को लेकर आज उत्तराखंड बेरोजगार संगठन ने तहसील कार्यालय पहुंचकर प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। साथ ही तहसील रजिस्ट्रार कानून को मोहित बोरा को उप जिलाधिकारी के नाम ज्ञापन सौंपा। यहां उत्तराखंड बेरोजगार संगठन कुमाऊं मंडल अध्यक्ष के दीपक जोशी के नेतृत्व में दर्जनों युवाओं ने लालकुआ तहसील कार्यालय पहुंचकर प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। साथ ही मौजूद रजिस्ट्रार कानून को मोहित बोरा को उप जिलाधिकारी के नाम ज्ञापन सौंपा। वहीं दिए गए ज्ञापन में कहा गया कि लालकुआ एवं बिंदुकता क्षेत्र की जनता नगर में बस अड्डा व पार्किंग व्यवस्था न होने के कारण त्रस्त है तथा क्षेत्रीय जनता लंबे अरसे से बस अड्डे की मांग कर रही है। वहीं उन्होंने कहा कि लालकुआ कुमाऊं मंडल का प्रमुख शहर है जिसमें हजारों की संख्या में यात्री आते हैं और जाते हैं, लेकिन पार्किंग की व्यवस्था न होने के कारण यात्री इधर उधर भटकते साफ दिखाई देते हैं। उन्होंने कहा कि बस अड्डा की व्यवस्था न होने के कारण लोग नेशनल हाईवे पर बसों का इंतजार करते हैं जिस कारण उनमें दुर्घटना का भय बना रहता है। हमने आज उप जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन दिया है। ज्ञापन में हमारी ये मांग है, क्षेत्रवासियों की मांग है, लंबे समय से यहाँ पर बस अड्डा नहीं है और वाहन खड़े करने की पार्किंग नहीं है, उस विषय में हमने ज्ञापन दिया है। और राजस्व जो भूमि है वो राजस्व विभाग के पास नहीं है, यदि वह राजस्व विभाग के पास होती, उनके कब्जे में होती तो इस समस्या का समाधान निकलने की एक उम्मीद थी। अब आगे क्या मांग करते हैं हम लोग? आगे हमने 15 दिन का समय दिया है, इसमें हमारी मांगों के ऊपर कार्रवाई नहीं होगी तो हम लोकतांत्रिक ढंग से क्षेत्रीय जनता को साथ लेकर क्षेत्रीय जनता के सहयोग से आंदोलन करेंगे, आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। के लालकुआ क्षेत्र की एक बहुत पुरानी एक समस्या है और लंबे समय से रोडवे बस अड्डे की यहाँ पर मांग की जा रही है और पार्किंग की व्यवस्था यहाँ नहीं हो पाने के कारण यहाँ काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। पूरे कुमाऊं का यहाँ पर सबसे बड़ा रेलवे का यहाँ पर मुख्य द्वार है, कुमाऊं का क्षेत्र का आदमी यहाँ से आवागमन हजारों की संख्या में लोग यहाँ से करते हैं, उसके बावजूद भी प्रदेश की सरकार और कुछ जो लीज की भूमियाँ हैं जिनको निरस्त हो चुकी है उनके लीज उनको राजस्व विभाग को अपने कब्जे में लेना चाहिए ताकि राजस्व विभाग की वो लीज निरस्त भूमि कब्जे में आएगी तो उससे हो है कि उसका कुछ रोडवे बस अड्डे का कुछ हल निकल सके। तो धरातल पर आप देख सकते हैं कि दिल्ली और देहरादून के लिए यहाँ दो बसें चलाई गई जिनकी बसें तो आ गई लेकिन खड़े करने की यहाँ ऐसी कोई व्यवस्था नहीं। तो हम शासन प्रशासन से मांग करना चाहते हैं कि जल्द से जल्द आलकुआ में रोडवे बस अड्डे की स्थापना की जाए, अन्यथा उत्तराखंड बेरोजगार संगठन क्षेत्र की जनता के साथ मिलकर के उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होगा।